हाय एवरीवन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग और आज जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? तो देखो, इसके पहले जो है ना कंडक्टिविटी सेल, जो कि कंडक्टिविटी मेजर करने का एक डिवाइस होता था, उसके बारे में हम लोग पढ़े और उसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि दो इलेक्ट्रोड, एक ही इलेक्ट्रोड है और एक दूसरा इलेक्ट्रोड, इसको मान लो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है और इसको मान लो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस मान लो dx के बराबर है और ये दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है वो मान लो dV के बराबर है। क्या बोले कि दो इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस dx और दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है वह कितना है dV। तो ये जो रेशियो होगा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग फॉर्मूला से डिफाइन करेंगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट द इलेक्ट्रोड्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, कि इलेक्ट्रोड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है और इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी का रेशियो क्या कहलाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। यदि पोटेंशियल ग्रेडियंट के यूनिट की बात किया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। स्मॉल डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे? वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये यूनिट हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट का। पोटेंशियल ग्रेडियंट के बाद एक टर्म इसमें आता है आयनिक वेलोसिटी। आयनिक वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी का जो डेफिनेशन होता है, तो आयनिक वेलोसिटी को हम लोग क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एक आयन के द्वारा सर्टेन डायरेक्शन में तय की गई दूरी कहलाएगा उसका आयनिक वेलोसिटी। जैसे इलेक्ट्रोलाइट है उसको सॉल्यूशन में घोले, तो सॉल्यूशन में घोलने के बाद जो आयन में डिसोसिएट करेगा, अब चूंकि आयन सॉल्यूशन में बनेंगे तो वे रिलेटिवली फ्री होंगे, तो वे आयन सॉल्यूशन में इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो किसी भी आयन के द्वारा एक सर्टेन डायरेक्शन में तय की गई दूरी, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा उसी डिस्टेंस को हम लोग बोल सकते हैं आयनिक वेलोसिटी। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ए सर्टेन डायरेक्शन बाय एन आयन इन द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड आयनिक वेलोसिटी। जैसे मान लो कि इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जैसे है Na प्लस और Cl माइनस, सॉरी मतलब इलेक्ट्रोलाइट NaCl है, इसको वाटर में घोल करके हम लोग बनाए सॉल्यूशन, ठीक। तो सॉल्यूशन में जाने के बाद ये Na प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा इस प्रकार से। अब यदि इस सॉल्यूशन में आप लगाओगे इलेक्ट्रोड, एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस, और इधर से जो है करेंट अप्लाई करोगे, तो क्या होगा कि जो केटायन है प्लस वाला ये मूव करेगा माइनस वाला इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो माइनस वाला एनायन है मूव करेगा प्लस वाला इलेक्ट्रोड की तरफ। तो 1 सेकेंड में इस आयन के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा वही कहलाएगा इसका आयनिक वेलोसिटी। तो दो बातें याद रखना है, पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है तो उसमें जो आयन है उस आयन के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा एक सर्टेन डायरेक्शन में, सर्टेन डायरेक्शन ही होगा ना, क्योंकि प्लस वाला हमेशा माइनस की तरफ मूव करेगा, माइनस वाला हमेशा प्लस की तरफ मूव करेगा, ये माइनस वाला इसके तरफ नहीं जा सकता है, प्लस वाला इधर नहीं जा सकता है। तो सर्टेन डायरेक्शन में किसी इलेक्ट्रोलाइट का आयन के द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी जो है कहलाएगा उसका आयनिक वेलोसिटी। तो आयनिक वेलोसिटी को हम लोग फॉर्मूला से लिख सकते हैं, आयनिक वेलोसिटी जिसको कि भी से दिखाते हैं, क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बटे टाइम।
यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले हम लोग देख लिए, फिर आयनिक वेलोसिटी देख लिए। अब आयनिक वेलोसिटी जो है ना इंक्रीज करेगा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से, माने दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जितना ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा जो है आयन का मूवमेंट होगा, मतलब आयन का वेलोसिटी जो है उतना ही अधिक होगा। और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट और आयनिक वेलोसिटी के बाद इसमें अब एक टर्म आता है आयनिक मोबिलिटी। इसके बाद अब इसमें एक टर्म क्या आता है, आयनिक मोबिलिटी, जिसको हम लोग दिखाते हैं। आयनिक मोबिलिटी को शो किया जाता है यू से, स्मॉल यू से दिखाते हैं। तो इसको भी फॉर्मूला से हम लोग डिफाइन करते हैं कि जो आयनिक मोबिलिटी है, आयनिक मोबिलिटी जो है ये बराबर होता है आयनिक वेलोसिटी बटे पोटेंशियल ग्रेडियंट का, आयनिक वेलोसिटी बटे पोटेंशियल ग्रेडियंट का। तो डिफिनेशन हम लोग ऐसे बनाते हैं कि द आयनिक वेलोसिटी पर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट, या फिर द आयनिक वेलोसिटी अंडर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड आयनिक मोबिलिटी। मतलब कि जो इलेक्ट्रोड पे हम लोग अप्लाई कर रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो था डी वी बाई डी एक्स, यदि यह यूनिटी के बराबर हो, मतलब एक वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो इस केस में जो आयन का वेलोसिटी होगा वही कहलाएगा आयनिक मोबिलिटी। तो आयनिक मोबिलिटी भी आयनिक वेलोसिटी ही हुआ, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए वन, मतलब जो दो इलेक्ट्रोड के बीच वोल्टेज दे रहे हैं वो वन वोल्ट होना चाहिए और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है एक्स वो एक सेंटीमीटर होना चाहिए। तो जब दो इलेक्ट्रोड एक दूसरे से एक सेंटीमीटर की दूरी पे हो और उनके बीच एक वोल्ट अप्लाई किया जाए पोटेंशियल डिफरेंस, तो आयन जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एक सेकेंड में वही कहलाएगा उसके लिए आयनिक मोबिलिटी। और यदि अब यूनिट की बात करें हम लोग, तो आयनिक वेलोसिटी का क्या था, सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसका था वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, वोल्ट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर जाकर माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, वोल्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, या सॉरी वोल्ट ऊपर जाकर के वोल्ट इन्वर्स हो जाएगा ऐसे, तो वोल्ट इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब बोला है कि जो आयनिक वेलोसिटी होता है, तो बताया कि आयनिक वेलोसिटी जो है वह बढ़ता है कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, मतलब जितना ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड के बीच, उतना ही तेजी से जो है आयन्स मूव करेंगे, मतलब उनका आयनिक वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो आयनिक वेलोसिटी डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पे, लेकिन जो आयनिक मोबिलिटी है वह उसके स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। और इसके बाद अब आता है इसमें आयनिक कंडक्टिविटी। आयनिक कंडक्टिविटी इसको हम लोग स्मॉल लैम्डा से दिखाएंगे, आयनिक कंडक्टिविटी। तो जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, और इस इलेक्ट्रोलाइट का एक मोल को वाटर में डिजॉल्व किए तो बहुत सारे Na प्लस आयन बनेंगे और बहुत सारे Cl माइनस आयन्स बनेंगे, और इन सभी आयनों का जो कंडक्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते थे मोलर कंडक्टेंस ऐसे। तो ये सब आयन मिलकर के जितना करंट कैरी कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस। अब यदि बात की जाए कि एक आयन कितना करंट कैरी कर रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर आयन, मतलब एक सोडियम आयन या फिर एक क्लोराइड आयन, तो इस एक पर्टिकुलर आयन का जो कंडक्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे आयनिक कंडक्टिविटी लैम्डा, स्मॉल लैम्डा। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एक आयन
जितना करंट कैरी करता है, मतलब एक आयन का जो कंडक्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक कंडक्टिविटी, और सारे आयनों का जो कंडक्टेंस होगा वो कहलाएगा मोलर कंडक्टिविटी। एक आयन का रहा तो आयनिक कंडक्टिविटी, और सारे आयन यदि रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। अब बोल रहा है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है या लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी जो होता है, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक मोबिलिटी का, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक मोबिलिटी का। मतलब आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी ऑफ केटायन, या फिर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन। यू आयनिक मोबिलिटी है या आयनिक कंडक्टिविटी है, प्लस बता रहा है केटायन को, माइनस बता रहा है एनायन को। तो जो केटायन का आयनिक कंडक्टिविटी है लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो होगा, पिछला क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इसके बारे में, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो आयनिक कंडक्टिविटी होता है किसी आयन का वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके आयनिक मोबिलिटी का। मतलब जितना ज़्यादा आयनिक मोबिलिटी होगा उतना ही ज़्यादा उस आयन का कंडक्टिविटी होगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो लैम्डा जीरो बराबर हम लोग लिखते हैं एफ इंटू यू, जहाँ एफ जो है फराडेज कॉन्स्टेंट कहलाता है, फराडेज कॉन्स्टेंट, और इसका वैल्यू होता है लगभग 96,500 कूलम पर मोल, जो कि बराबर होता है किसका, चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं फराडेज कांस्टेंट, और वैल्यू उसका होता है 96,500 कूलम पर मोल, अप्रॉक्स वैल्यू है, इससे कम आता है लेकिन उसको राउंड करके हम लोग लिखते हैं 96,500 कूलम पर मोल। तो इस तरह से जो है अभी हम लोग टोटल चार पांच टर्म्स देखे। सबसे पहला जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि रेशियो होता था दो इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते थे और दोनों के बीच का डिस्टेंस, डी वी बाई डी एक्स को हम लोग बोल रहे थे पोटेंशियल ग्रेडियंट। फिर देखें आयनिक वेलोसिटी, कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से करंट पास करवाते हैं तो एक सेकेंड में उसके आयन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वह कहलाता था आयनिक वेलोसिटी। फिर देखें आयनिक मोबिलिटी, कि द आयनिक वेलोसिटी अंडर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि जब दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस एक सेंटीमीटर हो और दोनों के बीच एक वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करें तो उस केस में आयन एक सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वह कहलाएगा आयनिक मोबिलिटी। और आयनिक मोबिलिटी के बाद फिर हम लोग देखें आयनिक कंडक्टिविटी, कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाता है तो उस केस में किसी इलेक्ट्रोलाइट का जो एक पर्टिकुलर आयन है वह कितना करंट कैरी करेगा या जितना करंट को ले जाता है वह कहलाएगा उसका आयनिक कंडक्टिविटी। अब बोल रहा है कि जो लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी है, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एक आयन जो करंट कैरी करता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस आयन के मोबिलिटी का, मतलब उस आयन का मोबिलिटी जितना ज़्यादा होगा वह उतना ही ज़्यादा करंट कैरी करेगा, और उससे एक रिलेशन बनता है हम लोगों का ऐसा लैम्डा बराबर ही लैम्डा नॉट बराबर एफ इंटू यू, जहाँ यू मोबिलिटी हुआ, लैम्डा नॉट लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी हुआ, एफ फराडेज कांस्टेंट जिसका वैल्यू उतना फिक्स होता है। इस तरह से कुछ कुछ छोटे छोटे फार्मूले जो है बने इसमें, तो सब फार्मूला याद रखोगे, न्यूमेरिकल वगैरह जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है फार्मूला से, तो फिर उसको हम लोग आसानी से जो है कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग कर लें, अभी जितने सारे टर्म्स पढ़े उससे रिलेटेड क्या है क्वेश्चन, कि अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KCl इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट अक्रॉस व्हिच या पोटेंशियल ऑफ 6 वोल्ट इज अप्लाइड, हाउ फार K+ आयन विल मूव इन टू आवर इफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ K+ इज इतना। मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि KCl का सॉल्यूशन है तो K+ और Cl- इसमें बहुत सारा रहेगा ऐसा, और इसमें प्लैटिनम का दो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, प्लस माइनस से कोई कनेक्टेड है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बोल रहा है 10 सेंटीमीटर है, और जो वोल्टेज अप्लाई किया गया वो कितना है, 6 वोल्ट है। तो जब वोल्टेज अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि जो K+ आयन है वो माइनस की तरफ मूव करेगा और ये माइनस वाला प्लस की तरफ मूव करेगा,
तो बोल रहा है कि 2 घंटे में ये के प्लस आयन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और उसके लिए इसका लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी दिया हुआ है। मतलब यहाँ से डी भी समझो दिया हुआ है 6 वोल्ट, डी एक्स दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, टाइम दिया हुआ है 2 आवर, इसको सेकेंड में चेंज कर लो, 60 × 60 तो यह आ जाएगा 7200 सेकेंड, और इसका लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी दिया हुआ के प्लस का 73.52 साइमन सेंटीमीटर² पर मोल। निकालना इसका डिस्टेंस कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े, देखो तो आयनिक वेलोसिटी बराबर पढ़े थे डिस्टेंस बटे टाइम, ठीक। टाइम तो चलो दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ से क्या पता होना चाहिए, आयनिक वेलोसिटी पता होना चाहिए, जो कि पता नहीं है। अब हम लोग एक फॉर्मूला ऐसा भी तो पढ़े हैं, आयनिक मोबिलिटी बराबर पढ़े थे U बराबर आयनिक वेलोसिटी बटे पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है dV/dx। तो dV/dx ये दोनों दिया हुआ है, आयनिक वेलोसिटी निकालना ही है, तो यहाँ से क्या पता होना चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए एक फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े कि लैम्डा जीरो बराबर एफ इंटू यू, तो यहाँ से निकल जाएगा यू, क्या निकल जाएगा, यू बराबर हो जाएगा लैम्डा जीरो बटे एफ। लैम्डा जीरो का वैल्यू दिया हुआ है, एफ का वैल्यू पुट कर देंगे 96,500 ऐसा, तो यहाँ से हम लोगों का निकल जाएगा यू। एक बार यू निकल गया तो यू का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट dV/dx दिया हुआ है, तो यहाँ से निकल जाएगा आयनिक वेलोसिटी, और जब आयनिक वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, टाइम दिया हुआ है, तो क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ऐसे डाटा पता करो, देखो यहाँ सारा फॉर्मूला यूज हो रहा है, आयनिक वेलोसिटी का, आयनिक कंडक्टिविटी का, चाहे आयनिक मोबिलिटी का, सब फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू यहाँ से करेंगे कि सबसे पहले आयनिक मोबिलिटी निकालेंगे इस फॉर्मूला से, आयनिक मोबिलिटी निकल जाएगा, फिर वाला फॉर्मूला से आयनिक वेलोसिटी निकालेंगे, और जब आयनिक वेलोसिटी निकल जाएगा तो फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस, जिसके लिए टाइम वगैरह जो है सो दिया हुआ है। तो ये जो है एक क्वेश्चन हुआ इस सारे टॉपिक पे, इसको समझ करके रखेंगे हम लोग। अब इसमें से एक टर्म आता है, और वह टर्म क्या है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। आयन का इंडिपेंडेंट माइग्रेशन क्या होता है, अब जरा उसको हम लोग समझेंगे। 1 मोल हम लोग कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं HCl, और इस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को 100 ml वाटर में घोल देते हैं। मान लो कि इस कंटेनर में वाटर लिया हुआ है, यहाँ तक 100 ml है, ठीक। इस 1 मोल HCl को हम लोग 100 ml वाटर में घोले, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ऑब्वियसली इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा और बहुत सारे H+ और Cl- आयंस बनेंगे ऐसे। अब सॉल्यूशन में जाने के बाद चूंकि ये आयंस फ्री हैं तो आयंस इधर उधर मूव कर सकते हैं, लेकिन मूव करने के दरमियान कुछ बात हो सकता है। बात क्या हो सकता है कि जैसे आयन चलो एक दूसरे से अलग हुआ है, लेकिन है तो एक ही सॉल्यूशन में ना, और एक ही सॉल्यूशन में तो हो सकता है कि दोनों के बीच फिर से इंटरैक्शन हो। इंटरैक्शन हो तो क्या होगा कि Cl- आगे मूव करना चाहेगा तब तक H+ इसको खींच के रखेगा, उसी प्रकार से यदि H+ मूव करना चाहेगा तो Cl- इसको खींच करके रखेगा। मतलब इस केस में जो आयंस है ना वह फ्री होकर के नहीं मूव कर पाएंगे, इंडिपेंडेंट होकर के नहीं मूव कर पाएंगे, क्योंकि आयंस नज़दीक है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। केटायन मूव करना चाहेगा तो एनायन उसको खींच के रखेगा, और जब एनायन मूव करना चाहेगा तो केटायन उसको खींच करके रखेगा। मतलब यदि नॉर्मल कोई सॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है, तो वैसे में आयंस एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में जो है आयंस फ्रीली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर के नहीं मूव कर पाएंगे। लेकिन इसी सॉल्यूशन को क्या करो कि और डाइल्यूट कर दो,
500 या 5000 ml वाटर और मिला दो। देख रहे हो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट मतलब इसको अब हम लोग बोल देंगे इनफाइनाइट डाइल्यूट, बहुत ज़्यादा वाटर मिला दिए। तो बहुत ज़्यादा वाटर मिला दिए तो क्या होगा कि यदि बर्तन बड़ा है ऐसे तब ये पूरा इसमें आ गया वाटर, और पूरा वाटर आ गया और आयन तो उतना ही है, तो अब क्या होगा कि यदि एक एच प्लस आयन यहाँ है तो एक सी एल माइनस यहाँ है, फिर एक सी एल माइनस यहाँ है तो एक प्लस कहीं और जाकर के दूर में है यहाँ ऐसे। तो क्या हुआ कि जब सॉल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिए, बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट मिला दिए, तो बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट मिलाने से क्या हुआ कि आयन्स के बीच का डिस्टेंस काफ़ी बढ़ गया, और जब आयन के बीच का डिस्टेंस काफ़ी बढ़ गया तो ऑब्वियसली इसके बीच का अट्रैक्शन काफ़ी कम हो गया। दूरियाँ बढ़ने से लगाव घटता है, दूरी जितना बढ़ेगा चाहे वह दूरी दो आयन के बीच हो, चाहे दो आदमी के बीच हो, चाहे दो जानवर के बीच हो, मतलब नहीं है, डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्शन हमेशा घटता है। तो यही बात यहाँ हुआ, जैसे यहाँ देखो कि दो आयन नज़दीक है तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, यहाँ एक दूसरे से काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर मतलब मैक्सिमम जितना दूरी पे रह सकता है, मान लेते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है ऐसे, तो जब एक दूसरे से काफ़ी दूर रहेगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, चूंकि सॉल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूट है, तो इस केस में क्या होगा कि दोनों आयन के बीच कोई अट्रैक्शन नहीं रहेगा, नो अट्रैक्शन। और जब कोई अट्रैक्शन नहीं है तो ये आयन जो है ना फ्रीली इंडिपेंडेंट होकर के मूव करेगा, मतलब सी एल माइनस तरफ मूव करना चाहेगा तो एच प्लस इसको रोक नहीं सकता है, क्योंकि अब इसके बीच कोई लगाव ही नहीं रहा, दूरियां बढ़ गई हैं दोनों के बीच, इसलिए एक दूसरे को आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। एच प्लस मूव करना चाहेगा तो सी एल माइनस इसको नहीं रोक पाएगा ऐसे। तो जब किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूट किया जाता है तो आयन से एक दूसरे से काफी दूर चले जाते हैं, इतना दूर चले जाते हैं कि उनके बीच कोई फर्दर इंटरैक्शन नहीं रहता है, और इस केस में आयन इंडिपेंडेंटली फ्रीली इधर उधर मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन मतलब आयन जो माइग्रेट करेगा, माइग्रेट मतलब इधर उधर जाना, मूव करना, तो आयन जो इधर उधर माइग्रेट करेगा इंडिपेंडेंट होकर के, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे यहाँ ये सामान्य सॉल्यूशन था तो यहाँ आयन का वेलोसिटी एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा था कि ये मूव करना चाह रहा था तो ये रोक ले रहा था, ये मूव करना चाह रहा था तो ये रोक ले रहा था, क्योंकि नज़दीक था आयन। लेकिन जब इसको इनफाइनाइट डाइल्यूट किया और ज़्यादा वाटर मिलाए तो ऐसा करने से आयनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, अट्रैक्शन जीरो हो गया, तो उस केस में आयन्स फ्रीली इंडिपेंडेंट होकर के इधर उधर मूव कर सकते हैं, तो इसी को हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। इसको यदि हम लोग डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट आर फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एंड हेंस देयर इज नो इंटरआयनिक अट्रैक्शन, मतलब आयन के बीच कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, एंड दे मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर, एंड दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के आयन्स एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं और उनके बीच कोई ट्रैक्शन नहीं होता है, इसलिए वे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर के मूव करते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो आज तक, आज यहीं तक जो है हम लोग रखते हैं, इसके बाद अगला क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे कोलराउस लॉ, तो उसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।